हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स अग्रज। संजय गुप्ता पेश करते हैं अग्रज, कमीनों, फाड़े के टट्टुओं, कश्मीर को अपना बताकर उसको उजाड़ने वाले कीड़ों। नागू तुम्हारा नामो निशान मिटाकर रख देगा, तुमने भारत माता के मस्तक का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा मस्तक तुम्हारे सिरों पर नहीं रहेगा। भारत माता की जय। नहीं, मिशन कश्मीर पूरा हुआ। तालियां तालियां। कैसी थी मेरी परफॉर्मेंस? ऋतिक से बढ़िया थी ना? तुम भी कमाल के फिल्मी कीड़े हो नागू। अभी अभी मेरे साथ मिशन कश्मीर देखकर आए हो, फिर अपनी मणि से आतंकवादी और उनका अड्डा बना खुद ही उनको उड़ा दिया। नागू और मणि के विषय में जानने के लिए पढ़े सम्मोहन। कमाल है ना? कमाल तो है। मैंने पहली बार सर्पमुख में किसी दूसरे सांप के साथ छिपकर थिएटर में फिल्म देखी है। मैंने भी नागदीप के सुंदर सर्पणी के साथ पहली बार फिल्म देखी है। अब एक कमाल और होने वाला है। नागराज ने हमको 4 घंटे की मोहलत दी थी और तुम्हारे एक्टिंग के चक्कर में 5 घंटे पहले ही हो चुके हैं। अरे बाप रे, भागो, कहीं नागराज ने हमको अपने शरीर में घुसने न दिया तो मैं घर से बेघर हो जाऊंगा। लेकिन मड़ी का क्या करोगे? उसको अपने कबीले में वापस देने नहीं जाओगे क्या? अब वहां गया तो फिर वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर मुझे नागराज तो अपने पास रखेगा नहीं। मणि को फिलहाल किसी गुप्त स्थान पर छिपा दूंगा। इसी वक्त महानगर में स्थित एक पुरानी उजाड़ फैक्ट्री में क्या कर रहा है? अभी तक एक बम नहीं बना पाया। बस 10 मिनट और चिंग चैंग। जल्दी कर, मैं इस बम को फोड़ने का इंतजार नहीं कर सकता। बाकी सारी तैयारी हो चुकी है। बम फटेगा महासागर में और शक जाएगा असम और उत्तर पूर्वी राज्यों के आतंकवादी संगठनों पर। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस निर्दोषों को भी पकड़ेगी। जनता में संतोष बढ़ेगा और आतंकवादी भी बढ़ेंगे। उनको मदद देंगे हम चीन वाले, और फिर एक दिन पूरे उत्तर पूर्वी भारत पर कब्जा कर लेंगे। गुड सी स्कीम ना? गुड तो है, लेकिन एक चीज आपका ये ख्वाब तोड़ सकती है। नागराज नागराज नागराज, हम बहुत देर से उसका जिक्र सुन रहे हैं। एक बार मेरे सामने आ गया तो फिर उसका जिक्र दोबारा कोई नहीं सुनेगा। चिंग चेंग ने अब तक 999 खून किए हैं, नागराज हजारों का। मैं अंधेरे में अकेले गश्त लगा रहा हूँ। चिंग चेंग नागराज का नाम बार बार लेकर मुझे डरा रहा है। ये जानता नहीं है नागराज के बारे में। वह कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। सुना है उसके आने से पहले सांप आते हैं। कौन है इधर? कौन है? सांप? सांप यानी नाग? ये तो टांग की आवाज थी। टांग टांग, क्या हुआ? कहाँ है तू? आवाज उधर से आई है। टांग 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 टांग, कोई आवाज नहीं आ रही है। यानी दोनों आवाज लगाने के काबिल नहीं है, और बम भी गायब हो गया। यानी यानी नागराज यहाँ पर आ चुका है? हाँ, मैं आ चुका हूँ। वाह, लेकिन तू यहाँ पर आया कैसे नागराज? किसी ने मुझे खबर भेजी थी कि इस पुरानी फैक्ट्री में बम बन रहा है। तुम्हारे बारे में भी बताया था। मैंने बताया था, जैसे मैंने चिंग चैंग को हिंदुस्तान पर कब्जा करने का प्लान बताया था और महानगर में धमाके से प्लान की शुरुआत करने को कहा था। अब मेरी योजना की सफलता सिर्फ एक बात पर निर्भर करती है कि नागराज चिंग चैंग को खत्म कर दे। मैं तुमको चोट पहुंचाना नहीं चाहता चिंग चैंग। 50 देशों की पुलिस तुमको ढूंढ रही है। अब ये फैसला तुमको करना है कि तुम जेल जाना चाहोगे या अस्पताल। जेल या अस्पताल? पहले तू ये फैसला कर ले नागराज, कि तू यहां से अपने पैरों पर भाग कर जाएगा या 4 कंधों पर शमशान की तरफ जाएगा। पहला बार नागराज नहीं किया, आम इंसानों पर मैं नाग शक्ति के वार नहीं करता चैंग, क्योंकि उनके लिए मेरी शारीरिक शक्ति ही काफी है। वार करारा था, मुझे आम इंसान समझने की भूल मत कर नागराज। लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा करारा था। आह, बला की ताकत है इस चीनी में। मैं जिसको मारता हूँ उसकी आत्मा मेरी गुलाम हो जाती है नागराज। फिर वह आत्मा मेरे शरीर में ही रहती है। इस वक्त मेरे शरीर में मेरी आत्मा को मिलाकर पूरी 1,000 आत्माएं हैं। इसलिए मुझ में हजारों आत्माओं की शक्ति है। इसलिए तो मुझे तेरी मौत चाहिए चैंग। बड़ी मेहनत के बाद ढूंढा है मैंने तेरे जैसा दुष्ट शरीर। तेरी आत्मा मेरे शरीर में आकर बसने वाली है। 1,000वीं आत्मा होगी नागराज। सपने मत देख चिंग चैंग, आज तेरे शरीर में बसने वाली सारी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। मैं उनको आजाद कर दूंगा। ओह, इस बार से एक सामान्य इंसान की रीढ़ टुकड़े टुकड़े हो जाती। लेकिन तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तू सचमुच सामान्य इंसान नहीं है। तुझ पर नाग शक्तियों का प्रयोग करना होगा। हा, नाग शक्तियां? तो कलाइयों से जहरीले नाग छोड़ता है? मजा आ गया। कच्च चीन
छोड़ने के बाद पहली बार सांप खाने को मिल रहे हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं तेरे सांप, तो अब विष फुंकार के साथ इनके इनको निगल जा। विष फुंकार ने चैंग को उसके पैरों पर खड़े नहीं रहने दिया। आह जहरीला इंसान है तू, तेरे शरीर में नाक और जहर भरा हुआ है, अब मुझे भी चीनी तंत्र को काम काम में लाना पड़ेगा। देख नागराज, कई सिद्धियां प्राप्त की हैं मैंने, तू अपने शरीर में सांपों को रखता है तो मैं अपने शरीर में ड्रैगन को रखता हूँ। ओ वाहगुगल द ड्रैगन, मैंने किसी आतंकवादी में ऐसी शक्तियां होने की कल्पना भी नहीं की थी। आह इसका मुंह बांधना पड़ेगा क्योंकि इसकी आग मुझे भस्म कर सकती है। ओ नागरस्सी से ज्यादा मजबूत बंधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन ओ इसने तो लोहे के मोटे पाइप तक को तोड़ डाला। ऐसा बंधन अभी तक बना ही नहीं जो इस ड्रैगन का मुंह बंद कर सके। तुझे तो ये भून कर ही रहेगा। इसकी मोटी खाल में दांत गड़ाना भी असंभव है, वरना मैं इसे काट कर गला देता। इसको मैं एक घूंसे से बेहोश कर सकता हूँ, लेकिन ये वह एक घूंसा मारने का मौका तो दे। नागराज को मदद की जरूरत है, लेकिन अभी वार किया तो ये भेद खुल जाएगा कि यहाँ पर चैंग और उसके आदमियों के अलावा कोई और भी है। थोड़ी देर और देखता हूँ। ओह ये मुझे दोबारा अपने मुंह तक पहुंचने का मौका ही नहीं दे रहा है। इसकी दुम, हाँ इससे बात बन सकती है। अगले ही पल नागराज ने ड्रैगन की दुम आग के सामने कर दी। अपनी ही दुम झलसने के कारण ड्रैगन तिलमिला उठा। ड्रैगन थोड़ी देर के लिए असंतुलित हुआ और नागराज को वह मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। धड़ाक, ये ड्रैगन मेरे काम का नहीं रहा, यह काम मैं खुद भी कर लेता हूं, और अब तू भी किसी काम का नहीं रहेगा नागराज, कड़ों में बिखेर दूंगा मैं तुझे। यह काम मैं खुद भी कर लेता हूँ, तुझको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तेरे चीनी तंत्र को मेरे विष नागफनी सर्प रोक लेंगे। ओ तुझमें चमत्कारी शक्तियां भी है नागराज, तेरी आत्मा पकड़ तो मेरी तंत्र शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। तुझे मरना होगा नागराज, मरना होगा, मर मर। नहीं मरता, चाह क्या कर लेगा। आह शारीरिक शक्ति में तू मेरे ही समान है, तू मुझसे लड़ सकता है, इसलिए अब तू उनसे लड़ेगा जिनसे तू लड़ नहीं सकता, मेरी गुलाम आत्माओं से। इनसे लड़कर जीत सकता है तो जीत ले नागराज। नागराज कई आत्माओं के शिकंजे में फंस गया। ओह आत्माओं से तो मेरी सिर्फ मेरी आत्मा ही लड़ सकती है, मेरा शरीर नहीं, और अपनी आत्मा को मैं शरीर से बाहर निकाल नहीं सकता। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग शायद मुझे बचा सके, कोई फायदा नहीं है। इच्छाधारी शरीर भी इनके शिकंजे से छूट नहीं पा रहा है, ये मेरा दम घोट रहे हैं, मेरे शरीर की हड्डियों को तोड़ना चाह रहे हैं। ये कैसा वार कर दिया इस महादुष्ट ने, अब मुझे नागराज की मदद करनी ही होगी। एक पल नागराज कुछ कर रहा है, उसको कोई रास्ता सूझ गया है। नागराज ने चिंगचैंग की शक्ति को ही उसकी कमजोरी बना लिया था। तुझ में आत्माओं की शक्ति है चिंगचैंग, इसलिए इतनी आत्माएं तेरे शरीर से निकल जाने के बाद तेरी शक्ति कम हो गई होगी। अब या तो तू आत्माओं को वापस बुलाएगा या मुझसे निपटेगा, सोच ले कि तुझे क्या करना है। इसकी नाक शक्ति मुझ पर भारी पड़ रही है, मेरी हालत तो सांप छछूंदर वाली हो गई है। आत्माओं को वापस बुलाऊं या ना बुलाऊं, दोनों ही स्थितियों में मेरी पिटाई निश्चित है। यह काम उतना आसान नहीं है जितना चिंग चैंग समझ रहा है। मेरी हड्डियों पर पड़ता आत्माओं का दबाव मेरा काम मुश्किल बना रहा है, लेकिन अभी यह भ्रम में है। इससे पहले कि यह आत्मा मेरी हड्डियां तोड़ दे, मुझे इस पर काबू पा लेना होगा। चिंग चैंग के सामने एक ही रास्ता बचा था, आत्माओं को वापस बुलाने का, लेकिन उसने आत्माओं को बुलाने में देर लगा दी थी। नागराज के वारों ने उसको अधमरा कर दिया था। वैसे तो तुझे जान से मार देना चाहिए चैंग, इसी में दुनिया की भलाई है, लेकिन नागराज ने किसी इंसान की जान लेने की शपथ ली हुई है। ओ ये मुझे पता नहीं था, अगर नागराज इसकी जान नहीं लेगा तो मेरी योजना का क्या होगा। इसकी जान तू लेगा नागराज, तू लेगा। अगले ही पर नागराज के सरपों द्वारा उठाया गया बम, उसका रिमोट हाथ हवा में उठता चला गया और पीछे हटते चैंग के ठीक पीछे आ गिरा। नागराज के वार से बेहोश होकर चिंग चैंग बम के ऊपर आ गिरा, और उसी पर नागराज के गिरते पैर के नीचे उस बम का रिमोट असर का बटन दबा और धमाके से चिंग चैंग के साथ साथ नागराज को भी हवा में उड़ा दिया। आह ये रिमोट मेरे पैर के नीचे कैसे आ गया, और ये बम यहाँ पर कैसे आया, इसको तो मैंने दूसरी मशीन के पीछे छुपाया था। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अग्रज के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।